एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। आज थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यह बड़ी और अहम खबर। आजादी का अमृत महोत्सव, लेजर शो देखेंगे अमित शाह चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स का इस दौरान उनकी ओर से उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भगवंत मान करेंगे स्वागत। तो ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में वो चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और महोत्सव में लेजर शो देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये सम्मेलन है जिसमें वो शामिल होंगे, तो लोगों को भी इस दौरान कई बड़ी सौगात दी जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी कविता सैनी इस बीच लाइव जुड़ गई हमारे साथ। कविता, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी, कितनी देर में वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल सर, 4 महीने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे का समय है एयरपोर्ट पहुंचने का, जिसके बाद वे सीधा पंजाब राजभवन जाएंगे जहां पर पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों से मुलाकात करेंगे और वहां पर ड्रग कंट्रोल को लेकर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वे शिरकत करेंगे। 11 बजे राजभवन में एनसीपी की कॉन्फ्रेंस में वे शिरकत करेंगे और उसके बाद 3 बजे तक वे राजभवन में ही रहेंगे और वहीं लंच करेंगे और उसके बाद 4:30 बजे उनका जो कार्यक्रम है वो मौली जागरा के, चंडीगढ़ के मौली जागरा के स्कूल के लिए वे रवाना होंगे, जहां पर वह 3 स्कूलों का उद्घाटन जो है वो करेंगे और उसके बाद 5 बजे स्कूलों का उद्घाटन है, 6 बजे फिर राजभवन के वापस आएंगे और 7:30 बजे जो काफी अहम कार्यक्रम रहने वाला है सुखना लेक पर घर घर तिरंगा लेजर शो होने जा रहा है जो कि इस बार काफी अहम रहने वाला है, जिसमें अमित शाह जो है वो शिरकत करेंगे और इसके साथ सुखना लेक जो है वो भी शाम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और 9:30 बजे जो है अमित शाह यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये आज का उनका पूरे दिन का कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। 4 महीने के बाद एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। काफी चीजों का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा और शहर को काफी सौगात जो है वो दी जाएगी। जुडिशियल अकेडमी की अगर बात करें के बीच में जो ग्राउंड है 70 करोड़ रुपए की लागत से बनी मल्टी पार्किंग लेवल, उसका भी वे आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो शहर में कह सकते हैं काफी अहम चीजें जो हैं जिनका वे उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें उनका जो कविता है, लेकिन वो भी हम आपको बता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा उस वक्त में हो रहा है जब पंजाब और हरियाणा के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति है, विवाद की स्थिति हमने बीते दिनों देखी है। हाल ही के दिनों में चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की अलग से जमीन देने को लेकर भी विवाद गहराया था, इस लिहाज से देखें तो ये दौरा है कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, इस जिस तरीके से वह आज 3 बजे तक राजभवन में रहेंगे तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी जो बातचीत है इस विषय पर जरूर हो सकती है, कोई ना कोई हल जो है वो निकलने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। जिस तरीके से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो हरियाणा विधानसभा के लिए यहाँ पर जमीन जो है वो दी गई थी और उसके बाद पंजाब की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था। हालांकि चंडीगढ़ के लोग जो है वो इस बीच में कुछ और ही जाते हैं, लेकिन इसको लेकर जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है निकल सकता है, बातचीत इस मुद्दे पर भी जरूर हो सकती है। जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आज केंद्रीय गृह मंत्री का चंडीगढ़ दौरे का रहने वाला है। 4 महीने के बाद एक बार फिर से आज चंडीगढ़ में आए हैं और शहर को एक नई सौगात जो है वो देंगे। जी कविता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आएंगे, कितना कौन कौन से नेता उनसे मुलाकात करेंगे, किस तरह से आज के इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है प्रदेश में सियासी नजरिए से? बिल्कुल, आज पूरा दिन जो है काफी अहम रहने वाला है और अभी 10 बजे गृह मंत्री जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पर
दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद पंजाब राज्य बन जाएंगे जहाँ पर एनसीपी को लेकर जो है एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नो डाउट आज का दिन जो है काफी अहम रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें जहाँ पर चंडीगढ़ को मिलने जा रही है, तो काफी मुद्दों को लेकर आज बातचीत जो है वो भी मुख्यमंत्री जो है दोनों राज्यों के वो भी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से जो है तमाम विषयों को लेकर दोनों राज्यों के जो है वो भी बातचीत कर सकते हैं। जी कविता, किसी तरह के संबोधन को लेकर भी जानकारी है क्या? कार्यक्रम के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, 11 बजे जो है कॉन्फ्रेंस है उससे जरूर वे कुछ ना कुछ संबोधन जो है वो कर सकते हैं। हालांकि अभी कहना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा और 7:30 बजे जो लेजर शो है उसमें भी वह जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तरह का जो आज का कार्यक्रम है वो काफी बिल्कुल कविता काफी अहम ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और जिस वक्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मधुर, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए, लौटेंगे आपके पास दोबारा से अपडेट्स के लिए। तो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई मायनों में काफी ज्यादा अहम ये पूरा उनका दौरा माना जा रहा है।